हेलो एवरी वन होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो क्लास फेल्थ दिस इज़ योर नेक्स्ट प्रैक्टिस वर्कशीट फ्रॉम चैप्टर नंबर इलेवन सोलर एंड लूनर इक्लिप्सिस क्वेश्चन नंबर वन है डिफ़ाइन आपको इन तीनों को डिफाइन करना है इनकी डेफिनेशन लिखनी है फर्स्ट वन इज़ अम्बरा देन ओपैक देन एस्ट्रोनोमा इनकी डेफिनेशन आप लर्न करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे देन फिलिंग द ब्लैंक्स फर्स्ट वन इज इन अ डैश इक्लिप द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ कौन से इक्लिप में जो मून होता है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है देन सेकेंड इज एन इक्लिप्स हैपन वैन द डैश ऑफ द सन एंड द मून इज हिडन इक्लिप्स तब होता है जब क्या छुप जाता है मून और सन का आपको वो बताना है ड्यूरिंग अ टोटल इक्लिप्स इट बिकम्स वेरी डैश एंड बर्ड्स डैश सिंगिंग और जब टोटल इक्लिप्स होता है तो क्या होता है और जो बर्ड्स होते हैं वो सिंगिंग क्या कर देते हैं देन वेन लाइट फॉल्स ऑन ऑन ओपेक ऑब्जेक्ट द डैश फॉल ऑन द ऑपोजिट साइड जब एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे एक ओपैक ऑब्जेक्ट पे लाइट डलती है तो उसके सामने क्या बनता है सो so, ये आपको वर्कशीट अपनी नोटबुक में लर्न करके इनके आंसर्स लिखने हैं थैंक यू